के अंदर कॉमन सेंस है? ट्राई कर लेते हैं। कॉमन सेंस तकरीबन है। हाँ, बहुत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज मैं आ चुकी हूँ शहर इक़्तदार इस्लामाबाद में और यहाँ के लोगों में देखेंगे कितनी कॉमन सेंस है। आज हम उनकी कॉमन सेंस का टेस्ट करेंगे और कॉमन सेंस का टेस्ट करने के लिए जो आज के हमारे सवालात हैं वो ये है कि अगर सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा, और जो दूसरा सवाल है हमारा वो ये है कि हर इंसान जो है वो फरवरी से ज़्यादा मार्च के महीने में खाना क्यों खाना पसंद करता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस्लामाबाद के लोगों में कितनी कॉमन सेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद खान। हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद, अकेले क्यों बैठे हुए थे? बस ये खूबसूरती इंजॉय कर रहे थे। इतनी सुबह सुबह आकर खूबसूरती इंजॉय कर रहे थे, कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली अपारा होता हूँ। अपारा होते हैं, यहाँ पर खूबसूरती इंजॉय करने आए हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि आपके अंदर कॉमन सेंस है? जी। टेस्ट कर लूँ? अच्छा, मुझे बताएं कि वो कौन जो सब्ज रंग का पत्थर अगर नीले समंदर में फेंका जाए तो क्या होगा? सब्ज रंग उसका कलर तो वही सेम रहेगा ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी समंदर में क्या होगा या पत्थर को क्या होगा? पत्थर समंदर में जाएगा, समंदर में पानी उछलेगा और तो कुछ नहीं होगा। अगर सब्ज रंग के पत्थर को नीले समंदर में फेंकेंगे तो पत्थर को क्या होगा? पत्थर डूब जाएगा। गुड बाय, गया। Are you sure? Yeah. पक्का? फिर बोले? सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे तो क्या होगा पत्थर को? सब्ज रंग के पत्थर को नीले समंदर में बैठेंगे तो क्या होगा? सब्ज रंग का पत्थर होता है? पत्थर तो हर रंग का होता है। अगर पत्थर है तो वो तो भी डूब जाएगा। सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे तो पत्थर को क्या होगा? Can you repeat? सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे तो पत्थर को क्या होगा? पत्थर को कुछ भी नहीं होगा, वो सब्ज ही रहेगा। सब्ज ही रहेगा, पानी में जाके क्या करेंगे? नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे ना तो वो नीचे डूब जाएगा पत्थर को। नीला नहीं होगा? नहीं, नीला नहीं होगा। क्यों नीला होगा? डूब जाएगा। पक्का? पक्का। सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे तो पत्थर को क्या होगा? लोग जो हैं, हर इंसान फरवरी के महीने में खाना कम खाता है और मार्च में ज़्यादा क्यों खाता है? ये डिपेंड करता है कि गर्मी सर्दी का मौसम, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग सर्दी में कम खाते हैं इस वजह से कि दिन की ड्यूरेशन कम होती है, और गर्मी में ये होता है कि गर्मी में इंसान धूप की वजह से और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से खाना वैसे भी सब ज़्यादा ही खाते हैं। लेकिन फरवरी और मार्च में तो वेदर का इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो नॉर्मल मौसम होता है। तो खत्म। हर इंसान मार्च के महीने में क्यों ज़्यादा खाना खाती है, फरवरी के महीने में क्यों नहीं खाता? क्योंकि फरवरी 28 का महीना होता है, इसलिए। इन्होंने जवाब सही दिया। मतलब अगर पाकिस्तान में आप रहते तो मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप सर्दी वाला ज़्यादा होता है तो इस टाइम आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्च में? हाँ, लॉन्ग डेज होते हैं, शायद ज़्यादा ज़रूरत होती है। याद 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 बस याद ही रह जाती है, याद 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 बस याद ही रह जाती है। नहीं, ये बस याद याद ही रह जाती है। थैंक यू सो मच जी। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो मेरे सामने है उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क करें। खत्म। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के फनी फनी आंसर सुने और कुछ ने सही जवाब दिए और कुछ ने गलत जवाब दिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा जवाब सही था। पहला हमारा सवाल था कि सब्ज रंग के पत्थर को अगर नीले समंदर में फेंका जाए तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है पत्थर डूब जाएगा। जबकि जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये था कि फरवरी के महीने से ज्यादा मार्च के महीने में लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी होस्ट कायनात फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।